चलिए अब चलते हैं मेघालय। मेघालय का अर्थ है मेघों का आलय। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य। यह राज्य संस्कृति और लोक परंपरा से समृद्ध है। मेघालय की मुख्य जनजातियां हैं खासी, गारो और जयंतिया। प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा है। मेघालय में अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं, जिनमें केले और अनानास प्रमुख हैं। यहाँ की फलों की टोकरी प्रसिद्ध है। मैसिनराम ग्राम में सर्वाधिक बारिश होती है। मेघालय में द्वा की जादुई नदी प्रसिद्ध है। वंगाला उत्सव यह एक फसल कटाई से संबंधित त्योहार है, जिसे सौ ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार में बड़े बड़े ड्रमों का इस्तेमाल करके नृत्य किया जाता है। गारो जनजाति के लोग यह उत्सव मनाते हैं। तो देखते हैं मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य। चलिए अब आपको ले चलते हैं मणिपुर में। मणिपुर का संपूर्ण भाग पहाड़ी है। मणिपुर के ढालों पर चाय और घाटियों में धान की उपज की जाती है। मणिपुर नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा व श्री कृष्ण जी के प्रेम प्रसंग प्रमुख होते हैं। इसे रासलीला भी कहा जाता है। यहाँ के लोग कलाकार और सृजनशील हैं। शहीद मीनार इम्फाला में स्थित स्थल है। यह देश के उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। मणिपुर में समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिरोई पहाड़ है। इन पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प शिरोई लिली पाया जाता है। यह फूल विश्व में केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। मानसून ऋतु में यह लिली खिल उठती है। इसकी विशेषता यह है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर 7 रंग दिखाई देते हैं। चलिए अब शामिल होते हैं मणिपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य में। I'm not afraid to die.
नागालैंड। यह राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, प्रदूषण मुक्त वातावरण, सुंदर लैंडस्केप और अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। नागा लोग हस्तशिल्प से जुड़ी बेहतरीन गर्म शॉल बनाते हैं। नागा लोग अपने घर बांस से बनाते हैं। नागा भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। नागालैंड में नागा पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। नागा जनजाति का यह मूल निवास स्थान है। यह नाग की बड़ी प्रतिकृति है। कच्छारी भाषा में नाग का तात्पर्य है एक बहादुर लड़ाकू युवा व्यक्ति। हॉर्नबिल उत्सव में नागालैंड की संस्कृति की झलक दिखती है। यह योद्धा जनजाति है। इनकी वीरता को देख परख कर ही इनमें शादी होती है। दीमापुर यह नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है। यह भारत का 115वां सबसे बड़ा नगर है। दीमापुर को कभी हिडिम्बापुर के नाम से जाना जाता था। इस जगह पांडवों ने अपने वनवास का काफी समय व्यतीत किया था। संगीत और नृत्य नागालैंड के जनजीवन का मूलभूत अंग है। युद्ध नृत्य यह नागा पुरुषों की खासियत है। तो देखते हैं नागालैंड का नागा नृत्य। चलिए अब चलते हैं मिजोरम। डंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में स्थित अभयारण्य है। यह अभयारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम का लगभग 33% भाग घने अंधेरे जंगलों से भरा पड़ा है। फोंगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, यह मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ का पूरा क्षेत्र फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र है। यह मिजोरम के लॉन्ग तलाई जिले में स्थित है। पर्वत के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर की समतल धरती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल मिजोरम का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। यह एक पर्वतीय प्रदेश है। यह मिजो लोगों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। आइजोल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और उच्च गुणवत्ता वाले ताजे फलों के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम का डार और गोंग यह प्रसिद्ध वाद्य है। नृत्य के समय यह बजाया जाता है। चेराव नाम का लोक नृत्य यहाँ का सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह लोक नृत्य दो बांस के बीच महिलाएं पैरों के ताल से करती है। पुरुष लोग बांस को जमीन पर पटक कर ताल देते हैं। तो पेश है आपके सामने मिजोरम का सुप्रसिद्ध चेराव लोक नृत्य।
चलिए अब चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। राजा त्रिपुर के नाम से त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत के पुराने कथाओं और अशोक के शिलालेखों में मिलता है। त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली है। दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो चलिए देखते हैं त्रिपुरा का लोक नृत्य। अब चलते हैं गुजरात। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। आश्रम में गांधी जी खुद सूत कताई करते थे और अपने कपड़े खुद बुनते थे। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने आश्रम के अन्य व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। बापूजी ने 18 साल तक आश्रम में निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम एकत्र होकर प्रार्थना किया करते थे। इस वर्ष हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। गुजरात में नए साल की शुरुआत होते ही 14 तारीख को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में काइट फेस्टिवल यानी पतंग महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन दान करना काफी अच्छा माना जाता है। दान करने के बाद पतंग उड़ाकर इस दिन का जश्न मनाया जाता है। इस दिन गुड़ और तिल को भी बांटा जाता है। दांडिया यह गुजरात का पारंपरिक नृत्य देवी और महिषासुर के बीच एक नकली लड़ाई का प्रतीक है। दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया गया यह भक्ति गरबा नृत्य है। तो देखते हैं गुजरात का सुप्रसिद्ध दांडिया रास।
आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी, जो कि उत्तर मध्य भारत में स्थित है, जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया और उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवित किया। उनका जीवन स्वयं में विरोचित गुणों से भरपूर अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैगा जनजाति है। इस जाति को लोधा भी कहा जाता है। यह लोग जंगल और पहाड़ में रहते हैं। कंदमूल और जंगली जानवरों की शिकार करके अपना पेट भरते हैं। इस जनजाति के प्रमुख नृत्यों में बैंगानी कर्मा, दशहरा या बिलला तथा परधोनी नृत्य हैं। बैंगा जनजाति जितने नृत्य करती है और उनमें जैसी विविधता है, वैसी संभवतः किसी और जनजाति में कठिनाई से मिलेगी। यह नृत्य विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के समय किया जाता है। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य। झारखंड, झार यानी झाड़ और खंड यानी टुकड़े, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है झारखंड यानी वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृति एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के आदिवासी लोग सरहुल का जश्न मनाते हैं, जिसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह वार्षिक महोत्सव वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। सरहुल में प्रचलित है नाची से बांची, यानी जो नाचेगा वो बचेगा। पूरे झारखंड में जगह जगह नृत्य उत्सव होता है। मांदर झारखंड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। इसे यहाँ लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते हैं। इस वाद्य का दाहिना मुंह छोटा और बायां मुंह चौड़ा होता है। छोटे मुंह वाले खोल पर खास तरह का लेप लगाया जाता है, उसे किरण कहते हैं। उसकी वजह से मंदिर की आवाज गूंजदार होती है। नाच के वक्त इसे बजाने वाला भी नाचता और थिरकता है, इसीलिए वह रस्सी के सहारे मांदर को कंधे से लटका लेता है।
झारखंड राज्य का एक बड़ा हिस्सा है छोटा नागपुर। यह पठार बहुत ही पुरानी चट्टानों से बना है। रांची, हजारीबाग और कोडरमा के पठारों का संयुक्त नाम है छोटा नागपुर। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ संसाधनों की प्रचुरता है। तो देखते हैं झारखंड का लोक नृत्य। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 90 फुट है। जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात है। 90 फुट ऊपर से इंद्रावती की ओजस्वी धारा गर्जना करते हुए नीचे गिरती है। इसके बहाव में इंद्रधनुष का मनोरम दृश्य मन मोह लेता है। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नाइगरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का ढोकरा आर्ट, जो बस्तर की प्राचीन कलाओं में एक है, उसमें मिट्टी के बर्तन हो या फिर बच्चों के खिलौने, सभी पर रंगों की जगह तांबे को पिघलाकर लगाया जाता है। यह प्राचीन कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। तांबे की जगह मोम का भी उपयोग ठीक उसी तरह किया जाता है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब हीरों का कटोरा के रूप में भी जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ चारों ओर से बड़े बड़े पर्वतों से घिरा हुआ है और बीच में सखल प्रदेश कटोरे के आकार के जैसे दिखता है और यहाँ पर चावल का प्रमुख उत्पादन होता है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। बढ़िया किस्म के बासमती चावल के उत्पादन के लिए कैथल को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर उत्पादित होने वाला चावल औषधि भी होता है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य।